सीना धरत रहा बताई लाठी से उड़त रहा यति मुख बच्ची को मारने हम कहते महिलाएं यहाँ पे आरोप लगा रही हैं पुलिसों पे और देखा जाता है काफी गंभीर कहा जा सकता है औरतों के साथ जो औरतों के साथ का भाई लो वहाँ पे है का भाई लो वहाँ पे जैसे कि हम इनके संग मन यात्रा नहीं है साथ में फिर वो जो का कहने लगे कि घींच के बीच में से लेके चल गए हम जन कि आगे जा फिर गए नहीं दोबारा तो हमको ढकेल देना फिर कह हम मन वे जींस रहना लोगन मारे वाला पुलिस तो कह हम लोग कि मैं बोलेगी तो मारेंगे अब तो हम कहने मारे तो हम दू लात मारे तो ओके जेंट्स पुलिस तो से कहते ना कि तू बोलबू तो तुहके मारे लगे मारा अब तो हम कहने की चलू ना हो कि महिला पुलिस नहीं के का ले जाए कि ना हम आऊ चल संगे इनकी नेताजी के संगे खींच के निकलनी है फिर रास्ता पकड़ के निकले फिर भी हम तुहके का लगेला तोहन लोग के ना तोहन लोग के का लगेला ई पुलिस सुरक्षा खातिर हो कि आवाज दबावे खातिर ई पुलिस आवाज दबावत हां पुलिस पुलिस गद्दार हाँ पुलिस का तार है ये पुलिस जनता के सुरक्षित खातिन के है आ कि मेहरारू मेहरारून के मारी पुलिस मारी कि लेडीज पकड़ के ले जाई तो हमारे नेता के पकड़ के ले जात रहा तो हम पकड़ लिए नहीं अपने नेता कल नेता हमारे थाने में ना जाई हम जाई थाने में नेता का संति हम थाना में जाई महिलाएं हैं कुछ बता रही हैं जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है वो ये जैसे बता रही हैं कि पुरुष थे वो पुलिस वाले और जबकि महिला जबकि लेडीज़ों के साथ लेडीज ही पुलिस को रहना चाहिए मगर यहाँ पे जो इनके साथ अभद्रता हुई है कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति है प्रशासन की तरफ से लेडीज पुलिस भी आई ले ली है कि ना यहाँ पे देखा जाए बिल्कुल देखा जाए कि स्थिति क्या है आप सोच सकते हैं जिसकी बेटी की शादी मात्र 1.5 साल हुए हों और उसकी बेटी का पति अगर मर जाता हो और बेटी विधवा हो जाती है तो समाज में आप सोच सकते हैं कि शादी होने के मात्र 1.5 साल के बाद ऐसी घटना घट जाती है और साथ में 6 महीने की एक बेटी हो तो आप सोच सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं बताने वाली कुछ भी नहीं है कुछ कहल चाहते हैं आप
पुलिस से, डीएम साहब से, कोतवाल से, एसपी साहब से कुछ कहल चाहत है? लड़की के कौन आधार बा, कौन हमें लड़की के आधार बा? हमार उनका पति मर गए, अतिमी उनका पिताजी मर गए, लड़की को मिंटू राजभर समय हम मौजूद है मऊ जिला में और हम यहाँ पे देखा जा रहा है कि पिंटू राजभर को न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ पे देखा जाए कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था और ज्ञापन देने के बाद गिरफ्तारी तो हो गई थी, बट इन लोगों की मांग है कि गिरफ्तारी होने के बाद भी उस परिवार को, क्योंकि जो शादी हुई है मात्र 6 महीने हुए थे शादी को और उस बच्चे शादी कितने दिन हो गया था। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मऊ कलेक्ट्रेट में और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ हैं बाबूलाल राजभर जी। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन उस मांग को लेकर है, यहाँ पे घोसी थाने से कुछ दूरी पे अमीला बाजार में पिंटू राजभर की पुलिस चौकी के बगल में गोली मारकर 11 बजे दिन में हत्या कर दी गई थी और हथियारों को एक ज्ञापन देने के बाद 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल उठा था और बहुत घेराव करने के बाद, बहुत मांग मांगने के बाद तब जाकर उन अपराधियों का पकड़ में आए थे और आज लगभग 3 महीने हो गए हैं। और हमारे साथ हैं बाबूलाल राजभर जी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का जो इनका प्रदर्शन है किन चीज़ों को लेकर था। काफ़ी पुलिस के साथ झड़प भी हुई आपकी, आज का जो प्रदर्शन था आपका किस चीज़ों को लेकर था?
देखिए हमने आपके आप जैसे अवगत आपने कराया है दर्शकों को, मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको नमस्कार। देखिए पहली तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 20 तारीख तक यदि हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो हम पुनः 20 तारीख को यहाँ फिर पुनः ज्ञापन देंगे। और इस कार्यक्रम के तहत यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, पहली तारीख को यह कार्यक्रम नियोजित था, इसके लिए बेकायदे हमने परमिशन लिया था। परमिशन के लिए सारे जगह जो भी सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जो भी खाना पूर्ति हुआ था, किसी पुलिस प्रशासन ने हमें इस घटना को इस कार्यक्रम से कभी हमें रोका नहीं। तो हम तो जानते हैं कि जब कोई रोका नहीं तो कार्यक्रम सही सलामत चलेगा। तो जब हम वहाँ रेलवे स्टेशन से पैदल मार्च करके हम आ रहे थे तो ये आजमगढ़ तिराहे पर ये विजय राजभर जी के विधायक के आवास के सामने हमें पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक रोकने का काम किया, और बलपूर्वक रोकने के काम के साथ साथ हमारी माँ बहनों के साथ अभद्रता किया। मैंने इस पर थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से नोकझोंक हुई, पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर के हमें उठा करके गाड़ी में बंद कर रही थी, लेके कहीं और जा रही थी। हमारी माँ बहनों ने हमें बचाया, माँ बहनों के साथ बदतमीजी हुई और यहाँ तक कि लाठीचार्ज हुई, हमें भी यहाँ मारा गया है और हमारे जो आप देख रहे हैं इसको फाड़ा गया है। यह आज का कार्यक्रम मात्र दो बिंदुओं पर था, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि पीड़ित लेकर के हमें उठा करके गाड़ी में बंद कर रही थी, लेके कहीं और जा रही थी। हमारी माँ बहनों ने हमें बचाया, माँ बहनों के साथ बदतमीजी हुई और यहाँ तक कि लाठीचार्ज हुई, हमें भी यहाँ मारा गया है और हमारे जो आप देख रहे हैं इसको फाड़ा गया है। यह आज का कार्यक्रम मात्र दो बिंदुओं पर था, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि पीड़ित परिवार का जो भी हत्यारा था पकड़ा गया है, लेकिन तीन हत्यारे में से दो हत्यारा पकड़ा गया, एक अभी बाकी है। तो एक तो उसके लिए हम आ रहे थे, और सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम ये था कि पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मुआवजा मांगा जाए। और जो 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने हत्यारों को पकड़ने का काम किया था, तो हम पुलिस प्रशासन को बेकायदे माला लेकर के धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था कि मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को गंभीरता से। बट 24 घंटे में आपने अपराधियों को पकड़ा, वो तो बहुत आपका काम है अपराधियों को पकड़ना, आप उसमें 2.25 महीने लगा चुके हैं, फिर हमें नहीं लगता कि आप जो आप ये उनको सम्मान देने की बात कह रहे हैं, आप 2.5 महीना लगा देते हैं अपराधी को पकड़ने में, बट उसके बाद भी आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं और पुलिस से आपकी नोक झोंक हो जाती है, क्या लगता है आपको पुलिस हमेशा आवाज़ दबाने का काम करती है? देखिए पुलिस को धन्यवाद हम इसलिए देना चाहते थे कि किसी और के कहने से पुलिस ने इस घटना को पूरे नियोजित कार्यक्रम के तहत इसको दबाने का काम किया था। किसी के कहने से आपका इशारा है, मतलब कौन ये बताइए, 2.25 महीने पर पुलिस उस घटना को टेकअप नहीं करती है, और हम इस कार्यक्रम को एक पहली तारीख को कार्यक्रम करते हैं, 24 घंटे के अंदर हत्यारा पकड़ा जाता है, तो इससे मतलब कि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस इस घटना को हत्यारे के बारे में जानती थी, किसी न किसी रूप से किसी न किसी दबाव से पुलिस उसको खुला नहीं करना चाहती थी। ये बताइए जो अधिकारी जो हत्यारा 2.25 महीने में नहीं पकड़ा गया वो 24 घंटे में कैसे पकड़ा जा सकता है? इसका साफ जाहिर है कि 24 घंटे में पुलिस ने पहले से उसको जानती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से, वजह क्या है, यहाँ के नेता प्रेता हो सकते हैं, शासन प्रशासन के लोग हो सकता है, और क्या वजह हो सकता है? तो राजभर के तो नेता हैं, मऊ में तो राजभर के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा करना चाहते हैं आप? उस घटना को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है कि अमीला में 11:15 पर पिंटू राजभर की हत्या हुई है, नहीं तो यदि उनको पता होता तो पीड़ित परिवार के घर गए होते हैं। हम दो कार्यक्रम बलिया से 80 किलोमीटर दूर आके कर रहे हैं, क्या वो ये उनके लोग नहीं हैं? ये बलिया से लोग आए हैं, ये कभी हम चुनाव लड़ेंगे तो क्या हमको ये लोग वोट देंगे? ये उनके वोटर हैं, तो उनको पता नहीं है, हो सकता है कि आपके माध्यम से इस बात को उनको अब पता लग जाएगा। कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी आज जो आंदोलन कर रहे हैं आप, कौन सी ऐसी मांगे हैं? देखिए हमारी मांग ये है कि एक तो हत्यारा जो तीसरे नंबर का हत्यारा है वो बाहर है, और तो इस बात को उठाते तो हमें बलिया से यहाँ से 80 किलोमीटर चल के आना पड़ता। तो क्या लगता है जो राजभर समाज के नेता हैं मऊ जिले में, और राजभर समाज के कई बात उठ भी चुकी है कि राजभर समाज को मऊ जिले ने बहुत बड़े बड़े नेता दिया है, मगर क्या लगता है वो इस जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं या बहरे गुंगे हैं? मोदी जी कुछ कहने नहीं देते हैं उनको, मोदी जी योगी जी उनके आँख नाक कान को बंद कर दें, अब यही ना कहा जाएगा उनके आँख कान और नाक बंद हो जाए, अब खुलेगा। 2022 का वोट आ रहा है, अब खुलेगा, खोलेंगे कि जाइए अपने राजभवनों में चौपाल लगाइए, तो ये जान लीजिए।
जब हम आपके लिए मर सकते हैं तो आपको मारने का ताकत भी हम रखते हैं, जब आपको छेड़ सकते हैं, जब हम यह राजभर समाज आपको जिता सकता है तो आपको हराने का ताकत भी हम लोग रखते हैं। इस लोकतंत्र में आप बड़े नहीं हैं, इस लोकतंत्र में वोट की ताकत बड़ी है। वोट की ताकत से आप विधायक बने हैं और वोट की ताकत से आपकी जमानत जब्त होगी। वैसे तो हमको नहीं लग रहा है कि उनको टिकट मिलेगा, ये भी जान लीजिए। सरकार भी देख रही है कि सब गूंगे बहरे हैं, अनिल जी की वही हाल है, सकलदीप जी की वही हाल है, इनकी वही हाल है, तो हमें नहीं लगता है कि इनका उनका टिकट मिला। यदि मिल भी गई, सरकार ने यदि गलती कर दिया इनको टिकट दे करके, तो इनकी जमानत जब्त होगी। हम बलिया से आकर के जमानत जब्त करवाने का काम भी करेंगे, शांति नहीं बैठेगी। ऐसा कौन सी बातें हैं जिनको राजभर समाज को लेकर और काफ़ी आप अग्रेसित हो गए हैं, और क्यों इन बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग काम नहीं करते, यहाँ के नेता काम नहीं करते, यहाँ के नेता काम नहीं करते? काम करना होता है तो हम बलिया से 80 किलोमीटर चल करके दूसरी बार यहाँ आते, फिर हम बलिया से 80 किलोमीटर चल करके पेट्रोल का गैलन लेके आएंगे। हम राजभर डर रहा है, अब जो भी हो भाई, हम उनके टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं, विजय राजभर समाज के आके कहे ना कि हमें सरकार ने हाथ बांध करके रखा है। विजय राजभर आके कहे कि सरकार हमें बांध करके रखी है, हम खुला उनको छोड़ेंगे, हमारे साथ वो लड़े रहे ना। क्या सरकार ये भी कह कर रखी है कि उनके जाइए अपने किसी भाई का हत्या होती है, उस भाई की हत्या में आप सम्मिलित मरना होइए, क्या सरकार ये कह के भेजी है? यदि कह के भेजी है तो सरकार तो नहीं झेलेगी, यहाँ जोगी जी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, झेलना आपको पड़ेगा। ये साफ साफ चेतावनी है, ये पूरे राजभर समाज के चेतावनी। क्या लगता है आपको कि ये मांगे जो आप मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र में मांगना संवैधानिक अधिकार है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। काहे नहीं मिलेगा? जोगी जी अपने घर से देंगे, मोदी जी अपने घर से देंगे, कि डीएम साहब अपने घर से देंगे? हमारी गाढ़ी कमाई उनके पास है, हम अपने कमाई का हिस्सा मांग रहे हैं। ये थे बाबूलाल राजभर जी, आप देख रहे थे राजभर तक, मैं संजय, नमस्कार। जब 2 महीना कुछ हुआ नहीं तो हम लोगों ने 1 तारीख को धरना आंशिक और इसके बाद गिरफ्तारी होगी तो सब जो मैंने उसी कार्य धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन देने आ रहे थे प्रशासन को, कि हमने नियुक्ति और प्रशासन के प्रति आभार और बाकी उस विधवा के लिए एक मुआवजा है लेकिन नौकरी मिल जाए तो इस पर मांग करने जा रहे हैं। और इस खर मकदम में रास्ते में यद तक उन्होंने रेस्टी के द्वारा मान्यता मांगी थी, बुलवाया भी तबादले का तो उनको बताया भी जाता है कि अनुमति नहीं थी तो मना कर देते कि आप लेना चाहिए अनुमति नहीं। चलिए, मनार में एक लड़का मारा गया था, किसी के गिरफ्तारी के।